नमस्कार दर्शकों, आपने देखना चालू कर दिया द न्यूज 15 और मैं हूं आपके साथ सक्षम तिवारी। आइए रुक करते हैं आज की पांच बड़ी खबरों पर। बाइडेन के इजराइल पर बयान को लेकर मचे विवाद के बीच प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने पलटवार कर दिया है। नेतन्याहू ने कहा कि अगर बाइडेन को ऐसा लगता है कि मैं इसराइलों की इच्छा के खिलाफ नीतियां लागू कर रहा हूं या उनके हितों का नुकसान पहुंचा रहा हूं, तो वो गलत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुरुग्राम में आयोजित एक कार्यक्रम से देश भर में 1,00,000 करोड़ रुपए की लागत वाली 112 नेशनल हाईवे परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी ऐतिहासिक द्वारा एक्सप्रेसवे के हरियाणा खंड का उद्घाटन करेंगे। इससे NH 48 पर दिल्ली और गुरुग्राम के बीच यातायात को सुचारू करने और भीड़भाड़ को कम करने में मदद मिलेगी। उत्तर प्रदेश में राज कर्मचारियों और पेंशनरों को राज्य सरकार ने होली से पहले बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनरों के DA में 4% बढ़ोतरी को स्वीकृति दे दी है। मारपीट का वीडियो वायरल होने के 2 दिन बाद यूट्यूबर एल्विश यादव और मैक्सटन सागर ठाकुर के बीच सुलह हो गई है। 10 मार्च की शाम सोशल मीडिया पर एल्विश ने एक तस्वीर शेयर की। फोटो में उनके साथ मैक्सटन दिखे, दोनों एक साथ मुस्कुराते नजर आए। एल्विश ने कैप्शन में लिखा, भाईचारा ऑन टॉप। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में रविवार 10 मार्च को ये सुपर मैच खेला गया, जिसमें दिल्ली ने पहली बैटिंग की और 151 रन का दमदार स्कोर खड़ा किया। पिछले मैच में UP वॉरियर्स के खिलाफ 139 रन का लक्ष्य भी हासिल करने में नाकाम रही। दिल्ली की बैटिंग इस बार दमदार रही। ऐसी अन्य और बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए द न्यूज 15। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। धन्यवाद।